फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मेरा नाम शैलजा है एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो वेलकम। हम एक इंडियन फैमिली है जो कि रहती है नॉर्वे में और आपको नॉर्वे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं हमारे बारे में और जानने के लिए। तो जैसे आप थंबनेल से देख ही चुके हैं, आज हमने आज सोचा आपको, हमने आप नॉर्वे इतना घुमा लिया है, सिटीज़ शहर सब कुछ दिखा दिया है, पर ये छोटा सा गांव जहां हम रहते हैं हमने आपको वो जगह तो दिखाई नहीं है। तो आज हम आपको वो ही दिखाने वाले हैं इस व्लॉग में। आप लोग हमसे पूछते हैं हम कहां रहते हैं, तो किसी ने कहा था कि गूगल अर्थ में हमें दिखाइए, तो आप गूगल अर्थ में भी देख सकते हैं कि हम कहां रहते हैं नॉर्वे में। और इस जगह का नाम है आइड्सवाल, एंड सो वेलकम टू आइड्सवाल। आज आपको दिखाते हैं नॉर्वे के एक छोटे से गांव में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो भाइयों, इससे पहले कि आपको आइड्सवाल का छोटा सा ये जो है गांव दिखाएं, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आइड्सवाल में जो थी वो नॉर्वे की सबसे बड़ी जो आयरन ओर की जो थी एक फैक्ट्री समझ लीजिए, वो यहीं पे थी। इसका नाम था आइड्सवाल वर्क। और ये हम बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री खोली हुई है, 1624 की, ठीक है। उसके बाद सन 1814 में जो नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो भी लिखा गया था जी आइड्सवाल में ही। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है नॉर्वे के लिए, क्योंकि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट और साइन हुआ था वो सन 1814-17 मई को आइड्सवाल में ही हुआ था। और उसको जो आज की डेट में जहाँ जिस बिल्डिंग में हुआ था वो एक म्यूजियम है, उसका टूर हम आपको अलग से देंगे। अरविंद, आप रह रहे हो यहाँ पे, ऐतिहासिक तो होगी जगह। नहीं, वो चौथी बात होगी, अभी तीसरी बात एक और है। तीसरी बात ये है कि सन 1854 में जो ओस्लो से आइड्सवाल के बीच जो थी वो पहली रेलवे लाइन बनी थी और वो एंड स्टॉप था। तो रेलवे लाइन के इतिहास से भी, इतिहास के रेलवे लाइन के पॉइंट से भी दिस इज एन ऐतिहासिक। और चौथा ये था कि सन 2020 13 दिसंबर को डॉक्टर अरविंद कैपरेट विद फैमिली यहाँ निवास किया उन्होंने। यहाँ से उनकी जर्नी जब मेरी जीवनी लिखी जाएगी ना तो ये आएगा। पक्का आएगा, तो आइड्सवाल फिर फेमस होगा क्योंकि मैं फेमस होने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बातचीत को बाद में करते हैं, बट स्टार्ट करते हैं कि देखिए, छोटे से इस गाँव में सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल, इस जगह का नाम, ये जो लेक है दिस इज वोमा, इसका नाम वोमा है, वोमा लेक, राइट। तो इसके अराउंड ये है और यहाँ पे आपको एक ओपन जिम भी मिलेगा। बातें बहुत होगी, देखते हैं कि भाई में ताकत है कि नहीं। कितने मारू? 25 करके दिखा दो। 25 नहीं यार, 20 इतनी तो एज नहीं है मेरी, 5 कर सकता हूँ। नहीं यार, अभी खाना खाया। Okay. चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ज्यादा करा। मैं और कर सकता था 14, बट किए नहीं। वीडियो लंबा वीडियो लंबा हो जाता है यार। चलो ठीक है, तो मतलब अगर आप चाहते हैं तो दर्द होगी। चलो, बाकी का आपको जो है अब शैलजा दिखाएगी यहाँ की मेन सिटी थोड़ी सी। तो अगली चीज जो हमारे इस छोटे से गांव में है वो एक सिनेमा हॉल भी है, जिसमें हम कभी आए नहीं वैसे मूवी देखने, पर हमें पता है। मूवी कौन सी लगी है? आई थिंक बॉस बेबी 2 आई है शायद। तो ये है यहाँ का छोटा सा सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल के साथ ही यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी भी है साथ में, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ की लाइब्रेरीज की बहुत अच्छी बात ही होती है, किताबें तो पढ़ने को होती है, मूवीज भी आप रेंट कर सकते हो, सीडीज वगैरह मिलती है, उनके साथ साथ एक प्ले एरिया भी होता है बच्चों के लिए। तो अगर आप लाइब्रेरी आ रहे हैं किताब पढ़ने के लिए तो आपका बच्चा साइड पे खेल सकता है और आप अपनी किताब पढ़ सकते हैं आराम। तुम कितनी बार आई हो? हम 3-4 बार आए हैं, पर हम किताब पढ़ने की पर्पस नहीं है, हम सिर्फ की एवा खेल लेगी इसीलिए आए। एग्जैक्टली। और नॉर्वेजियन भी सिखा दे लोगों को कि भाई क्या बोलते हैं। हाँ जी, और देखिए, लाइब्रेरी को यहाँ बोलते हैं बिब्लियोथेक। और कई लोग जो हमसे पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो हम रहते हैं आइड्सवाल में। ठीक है जी। अब आपको एक, जैसे हर गांव में एक शराब का ठेका तो होता ही है, यहाँ पे भी एक शराब का ठेका। वो आपको अंदर तो नहीं लेके जा सकते, पर आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि उस जगह को क्या बोलते हैं और कैसा दिखता है बाहर से। और लाइब्रेरी के ऊपर मैं आपको बताना भूल गई कि हेल्थ स्टेशन, जो छोटा सा हमारा डिस्पेंसरी टाइप होती है इंडिया में उस टाइप का, वो भी यही है। तो छोटे शहर में और छोटी जगह पर रहने का फायदा यह है
ये यहाँ पे सिनेमा, यहाँ पे लाइब्रेरी, यहीं पे हेल्थ स्टेशन, और यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे अल्कोहल मिलती है, जो ठेका है शराब का, वो भी यहीं पे है। तो अगर आप में से किसी ने बिया ज़्यादा पी ली है तो डॉक्टर भी नज़दीक है, राइट। तो ये एक साइड है आइट्सवॉल की। अभी हम दूसरी साइड आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, नॉट नॉट अ हॉस्पिटल बट एक बड़ा क्लिनिक जो है वो वहाँ पे है, ठीक है। और एक छोटे से गांव में, आप अगर आप नॉर्वे में दूर रह रहे हैं मेन सिटी से, तो आपको फैसिलिटी सारी मिल जाएगी, पर इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, पर सब कुछ होगा पर ऑप्शन नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑस्लो में रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे ये फ्रीसोर है, फ्रीसोर मतलब बाल का बार्बर की शॉप, नहीं नाई जो होते हैं हमारे, और पर यहाँ पे सिर्फ आई थिंक एक दो ही है, इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको यहीं आना पड़ेगा, पर सब कुछ अवेलेबल है जैसे आप देख सकते हैं इस छोटी सी जगह में भी। और ये लगभग नॉर्वे के हर छोटे शहर में ऐसा है, शहर क्या गांव में, गांव में, हाँ गांव में ऐसा है, चाहे वो जितना भी दूर हो शहर से, वहां पे आपको सारी चीजें मिल ही जाए। स्टारबक्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बस स्टारबक्स यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बहुत दिक्कत है आज, कॉफी पी। तो आप लोगों को ये बता देते हो कि नॉर्वेजियंस जो है मतलब बहुत ज़्यादा वाइन और अल्कोहल पीने में विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग पीते हैं क्योंकि एक पार्टी कल्चर यहाँ पे है ही है, और एक फैमिली ट्रेडिशन भी आप मान लीजिए कि भैया वाइन तो पीनी पीनी है, तो इसलिए जो ये अपनी दारू का ठेका है जिसे यहाँ पे बोला जाता है विनो मोनोपोल है, तो ये आपको हर छोटी से छोटी जगह मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है कि आपको मिलेगा। जैसे खाने पीने की एक दुकान मिलेगी, ये भी मिलेगा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके आई थिंक 6% से नीचे का अल्कोहल जो है, जो कि बियर और ये सब होती है, वो सब आपको एक रेगुलर शॉप में मिल जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट जो हाई मतलब हाई अल्कोहल कंटेंट वाले ड्रिंक्स होते हैं वो आपको यहीं पर मिलती है। तो जनरली जब कोरोना भी था ना, तो इसको भी इन लोगों ने बंद नहीं किया था, इन्होंने कहा था कि जो डेली की जो खाने पीने की दुकानें हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, और इसको भी बंद नहीं किया था। इंडिया में तो ठीक के बंद हो गए थे, जनता पागल हो गई थी, बट यहाँ पे इन्होंने बंद नहीं किया, तो यहाँ एक नेसेसिटी है यहाँ के लोगों के लिए। ये सेक्शन जो है जी, ये पूरा अल्कोहल फ्री का है, तो हम यहाँ से लेते हैं। ये देखिए लिखा है अल्कोहल रिमूव्ड, तो वाइन। अब जनता बोलेगी कि भाई जूस ही पी लो, वाइन क्यों पी रहे हो फिर बट नहीं, स्टाइल भी तो करना है भाई, स्टाइल भी तो है। तो देखिए, जो दारू का ठेका था वो वहाँ था, यहाँ से आप 15 कदम इधर आए तो यहाँ पे आपको जिम मिलेगा, फिटनेस पॉइंट जो एक जिम है। हम जनरली दूसरी साइड इसी जिम में जाते हैं, बट हम इस गांव में जाते हैं, हम दूसरी जगह दूसरे गांव में जाते हैं। इस जिम के साथ ही आपको एक शॉप दिख रही है जिसका नाम है जी सन टू सेंटर समथिंग लाइक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मालूम है नॉर्वे में सूरज इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इन्होंने जो है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करा होता है अंदर, जहाँ पे आपको जो है उसी तरीके की लाइट जो कि सन से निकलती है आपको दी जाती है, जिससे कि आपके विटामिन डी लेवल ऊपर हो जाए, एंड दिस इज काइंड ऑफ वेरी कॉमन इन नॉर्वे। खासकर आइड्सवॉल में जो है सेकंड हैंड शॉप्स बहुत ज्यादा है, मतलब आपको जो सेकंड हैंड आइटम्स है यू कैन बाय देम। आप जनरली क्या करते हो, रादर देन थ्रोइंग इट अवे, आप इन शॉप्स में दे देते हो, एंड देन दे सेल इट, थोड़ा रिफर्बिश करके उसको दे सेल इट, और आप जैसी जनता, हम जैसी जनता उसे ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है सेकंड हैंड आइटम है यहाँ पे, राइट। तो विंटेज कलेक्शन भी रहेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है कि कोई भी किताब आप यहाँ से पढ़ने के लिए उठा सकते हैं फ्री में, इट्स ग्रैटिस, ग्रैटिस मींस इट्स फॉर फ्री, सो यू कैन पिक एनी ऑफ इट, और इंग्लिश में भी है फॉर अ सरप्राइज। खाने के भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुशी, सुशी नॉर्वे में बहुत फेमस है, पिज्जा फर्स्ट है तब सुशी है, सुशी और पिज्जा की शॉप्स आपको हर जगह मिली जाएगी। अगर इस छोटी जगह में भी मिल रही है तो आप सोच ही सकते हैं कि हर जगह में सुशी तो है ही है। आज हम खाएंगे सुशी, और हम कभी आए, हम भी अब सच्ची बात बताएं तो आप लोगों को दिखाने के लिए पहली बार खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने भी जगह को इतना एक्सप्लोर नहीं करा। खुशी भी मेरी कमजोरी है, शॉप मिली है तो अंदर से आपको दिखा देते हैं और ऑर्डर भी कर लेते हैं। चलिए आइए, चल रहा ओके, सो या वी हैव ऑर्डर्ड द सुशी, एंड ही इज द, यू आर द ओनर राइट? Yeah, he's the manager of the store. Yeah. So let's see, we are coming here for the first time. We stay in Aizawl, but this is the first time. Okay, Ada, see you. तो जो आइट्सवॉल की मेन स्ट्रीट जो है वो मेरे पीछे है, तो अभी हम वहाँ से लगभग 20 कदम इधर आए हैं और मेन स्ट्रीट में पहुँच चुके हैं। मेन स्ट्रीट में कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं 2-3 शॉप्स है जो कि अगेन सेकंड हैंड शॉप्स है, तो यहाँ पे आइट्सवॉल में खासकर बहुत ज़्यादा सेकंड हैंड शॉप्स है, वो भी सेकंड हैंड शॉप है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रुक थंडल, वो वाली तो है। हाँ, वो वाली है ब्रुक थंडल जो है, इट मीन्स सेकंड हैंड शॉप, तो वहाँ पे भी एक है। और बहुत से जो बूढ़े लोग हैं, आपको अंदर जाएंगे तो बूढ़े लोग जो है
इन शॉप्स को चलाते हैं, तो आई थिंक ये यहाँ की जो सरकार है ये इसको बढ़ावा देती है सो दैट पीपल डोंट गेट डिप्रेस्ड और आफ्टर रिटायरमेंट भी उनके पास कुछ करने को। और ये एक बहुत अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी है। हाँ और एग्जैक्टली ये एक बहुत अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी कि रादर देन हर चीज़ जो गार्बेज है आप उसे हर चीज जो वेस्ट समझ के एक बंदा जो फेंक देता है क्या पता वो दूसरे के किसी काम आ जाए। यूटिलिटी मैन्स गार्बेज इज अनदर मैन्स गोल्ड ट्रेजर। यस बहुत सही बात। चलिए आइए आपको दिखाते हैं मेन स्ट्रीट यहाँ की। मेरे पीछे है जी गोल्ड स्मिथ की शॉप। अगर आपको कुछ अपने लिए हार बनवाने हैं जो कि इज़ नॉट वेरी यूजुअल नॉर्वे में, बट आपको एक गोल्ड स्मिथ की शॉप भी यहाँ पर मिलेगी, हमारे लिए भी थोड़ा अनयूजुअल है। उस साइड जो है वो है जी एक वॉच की, तो वहाँ पे आपकी घड़ियाँ ठीक भी हो सकती हैं, आप अपनी घड़ियाँ भी ठीक करा सकते हैं और नई घड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो अरविंद सब लोग कई लोग बोलेंगे बाहर से दुकानें दिखा रहे हो, अंदर तो ले नहीं गए क्या? यार अंदर का चक्कर ये होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ की जनता जो है आप कैमरा शाय बोल दीजिए या फिर अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा दे आर यू नो वेरी पेक्यूलियर, तो आपको हर बंदे से परमिशन लेनी पड़ती है। अब यहाँ 15 दुकानों के अंदर मैं सबके पास तो जाऊँगा कि नहीं सर कैन आई मेक अ वीडियो सो, और फिर कई लोग मना कर देते हैं तो ऐसी मूड ख़राब हो सकता है, तो इसलिए बाहर से दिखाओ ना उनको प्रॉब्लम ना हमें प्रॉब्लम। तो ये है यहाँ का लेगे सेंटर। लेगे सेंटर का मतलब हो गया कि अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपका जो जनरल प्रैक्टिशनर है या जो आपका डॉक्टर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो यहाँ बैठता है। लेगे मतलब डॉक्टर होता है, तो सर्दी जुकाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके लिए आप यहाँ आते हो और छोटे मोटे टेस्ट भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक छोटा सा क्लिनिक है। तो देखिए जो हेल्थ स्टेशन बताया था वहाँ पे बैठती है नर्सेज, वो बच्चों के लिए ज़्यादा होता है डिस्पेंसरी, वो डिस्पेंसरी टाइप है। ओके ये एक क्लिनिक है जो थोड़ा बड़ा है और हेल्थ स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप मुड़ेंगे ना आपको लगेगा हम बहुत चले नहीं, वो पार वो है पेनोरमा का दिखाओ ज़रा, तो आप वहाँ से यहाँ भी आ सकते हो सीधे। तो आप सोच सकते हैं आइजोल कितनी छोटी सी जगह है जहाँ हम रहते हैं, सो दैट्स गुड। और अगर आप शेल्स ऐसे मुड़ोगे तो ये मेरे पीछे एक रेड क्रॉस जो एक चैरिटेबल संस्था है उनकी भी एक अपनी शॉप है, तो आप यहाँ पे फ्री विली मतलब वॉलंटियर कर सकते हो और ये भी एक तरीके की सेकेंड हैंड शॉप है, यहाँ पे आप अपना सामान बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। ठीक है और देखिए यही रेमा से हम थोड़ा सा इस साइड है, यहाँ पे आपको दिखेंगे आपका जो ग्लास और मेटल उसको जो आपने फेंकना है वो यहाँ पे फेंकना है। तो ना केवल आपको यहाँ के गांव में ये दिखेगा कि यह चीज़ें खरीदने के लिए बल्कि चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो प्लानिंग भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से की होती है। तो ये बीच के जो आपके कंटेनर्स हैं यहाँ पे लिखा है ग्लास एंड मेटल, और साथ ही साथ जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये है जी यूज्ड क्लोथ्स के लिए। तो यहाँ से यूज्ड क्लोथ्स जो है दे कैन ईदर गो टू अफ्रीका एशिया या फिर अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो उन्हें धो धा के इन सेकेंड हैंड शॉप्स में भी रखा जा सकता है। अब शैलजा के पीछे तो एक बच्चों की शॉप है जहाँ पे कि बड़े बड़े आपको अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए ये क्या है? आजकल नहीं मानती गर्लफ्रेंड, नहीं मानती आजकल डायमंड जी होते हैं जो भी बोलते हैं इसको टेडी बियर, ठीक है वो है। तो एक शॉप है बच्चों के लिए भी, बट मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है वहाँ आपको दिख रहा होगा नाव, राइट? तो नाव जो है वो है नॉर्वे की एक आप क्या कह सकते हैं सोशल संस्था जो कि हेल्प करती है वहाँ के रेजिडेंट्स को जॉब दिलाने में या फिर लैंग्वेज के कोर्सेज दिलाने में, ठीक है? तो वो है और साथ ही साथ जो तराजू सा बना हुआ है ना वहाँ पे वो है जी आइडवल कम्युने का साइन। तो आइडवल कम्युने का मेन ऑफिस यहाँ पे है और जो नाव का ऑफिस वो यहाँ पे। आज जब दुनिया बात कर रही है इंडस्ट्री 4.0 की, ब्लॉकचेन की, कंप्यूटर्स की, सुपर चिप्स की, आइडजोल में आपको आज भी टाइपराइटर मिलेगा याद दिला रहा है मुझे पूर्वज। तो ये आइडजोल जो है ये एक एंटीक सिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं घर सारी न्यू बिल्डिंग्स है। आइडजोल बहुत जहाँ पे हम रहते हैं आइडजोल ये बहुत पुरानी जगह है और पर ये सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे न्यू है और इन घरों से व्यू आप सोच ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत होगा एकदम पानी के पास। और आई एम श्योर ये घर थोड़े महंगे भी होंगे फ्लैट्स। और पार वो जो दिख रहा है ना दोस्तों सामने एक से हटना जल्द ये है जी ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे भी जाएंगे हम पानी की उस साइड है, ये लंबी सी ट्रेन है, इसी ट्रेन में मैं जाता हूँ ओस्लो, तो ये यहाँ से कॉन्सबर्ग जाती है ये ट्रेन। शेल्स क्या मतलब आइडजोल सही है या फिर आज धूप है इसलिए आइडजोल सही लग रहा है? धूप है डेफिनेटली इतने दो हफ्ते से बारिश चल रही थी। आप लोग बोलते हो कि आप लोग घर पे बैठ के वीडियोस क्यों बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मौसम ही सही नहीं होता कभी, या फिर मौसम सही होता तो हमारे पास उस दिन टाइम नहीं होता। आज दोनों थे, टाइम भी दोनों थे और अभी अगले 3 दिन फिर से बारिश है, तो हमने मौके पे चौका मारा। बच्चों के लिए हम हर बार बोलते हैं बच्चों के लिए तो ये कंट्री इतनी अच्छी है ना, आई स्वेयर।
बच्चों के लिए पार्क हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह उनको खेलने के लिए, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे भी एक है ये छोटी सी जगह जहाँ पे हम एवा को अक्सर लेके आते हैं, और अभी बहुत सुंदर हुआ हुआ है सब कुछ क्योंकि ऑटम आ गए है और तो सब कुछ येलो येलो और कलर के शेड भी बहुत डिफरेंट से लग रहे हैं, तो इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज, बस यही था, अपना घर तो हम आपको दिखा ही चुके थे, अपनी ये जगह भी दिखा चुके हैं जहाँ रहते हैं, और क्या देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। सो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लव एंड सपोर्ट के लिए जो आप कॉमेंट्स के जरिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के जरिए देते हैं, इस वीडियो में भी जरूर दीजिएगा। So that's all. Namaste from Norway, guys.